चलो यार, तो हमने आज स्प्लिट होराइजन डिस्कस करना था। तो हमारे पास एक कुछ कुछ इस टाइप से टोपोलॉजी है। हमारे पास R1 है और R2 है, ठीक है। तो R1 और R2 के बीच में रीचेबिलिटी के लिए हमने 10 का नेटवर्क चलाया, ठीक है। और इस इंटरफेस का जो पोर्ट आईडी है फास्ट इथरनेट 0/0 है, और इस इंटरफेस की जो पोर्ट आईडी है फास्ट इथरनेट 0/0 है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारे टोपोलॉजी है। R1 पे हमने एक लूप बैक भी क्रिएट किया है जो 192.168.1.1/24 पे है, ठीक है। और एक और लूप बैक है हमारे पास जो R2 पे कनेक्टेड है 192.168.2.1/24, ठीक है। R1 के इस इंटरफेस पे क्या है, स्प्लिट होराइजन का फीचर इनेबल है। R2 के इस इंटरफेस पे क्या है, स्प्लिट होराइजन का फीचर इनेबल है। हमने क्या कर दिया है, EIGRP प्रोटोकॉल दोनों राउटर्स पे चला दिया है, ठीक है। और EIGRP प्रोसेस रन करके हमने इन इंटरफेसेस को, R1 पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं, ये दो इंटरफेसेस, एक 10 वाला और एक 192 वाला, इनको हमने EIGRP के अंदर एडवर्टाइज करवा दिया है। सेम R2 पे भी हमने दो दो इंटरफेसेस जो हमारे थे 10 वाला और 192.168.2.1/24 वाला, इनको भी हमने EIGRP के अंदर एडवर्टाइज कर दिया। जैसे ही हम इन इंटरफेसेस को EIGRP के अंदर एडवर्टाइज करेंगे, राउटर्स क्या करेंगे, हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हेलो मैसेजेस एक्सटेंड करेंगे, पैरामीटर्स मैच करेंगे, और देन नेबरशिप क्या कर लेंगे, स्टैब्लिश कर लेंगे, ठीक है। नेबरशिप स्टैब्लिश करने के बाद राउटर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर करते हैं। आपने सुना होगा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक फीचर होता है, जब से ही नेबरशिप फॉर्म होती है उसके बाद वो क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, वो बाउंडेड अपडेट होता है। बाउंडेड अपडेट का मतलब क्या होता है कि उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन वो नहीं सेंड करते हैं, कुछ प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन वो सेंड नहीं करते हैं। और वो कौन से प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन नहीं सेंड करते हैं वो अभी आपको डिस्कस हो जाएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे स्प्लिट होराइजन का मतलब क्या है, देखो R1 के राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होगी, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, एक तो 10 वाला जो किससे कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/0 पे, और एक क्या 192 वाला जो लूप बैक 1 पे है, ठीक है। उसी तरीके से R2 के राउटिंग टेबल में ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, 10 की जो नेटवर्क है वो फास्ट इथरनेट 0/0 पे है, और जो 192 वाला वो क्या है लूप बैक पे है, ठीक है। कुछ इस टाइप से इंफॉर्मेशन होगी। अब R1 R2 को अपनी राउटिंग टेबल शेयर करेगा तो कौन से प्रीफिक्सेस के इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। अब स्प्लिट होराइजन का मतलब यहाँ पे समझना आप, देखो स्प्लिट होराइजन का रूल क्या कहता है कि अगर मैं अपने नेबर्स को अपडेट मैसेजेस में प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो उस केस में जिस इंटरफेस से मैं अपडेट मैसेजेस को सेंड करूंगा, उस इंटरफेस की IP कभी भी उस अपडेट मैसेजेस में इंक्लूड नहीं करूंगा। कहने का क्या मतलब है कि इसके पास दो नेटवर्क है, तो दोनों नेटवर्क्स देना चाहिए इसको, लेकिन वो एक ही नेटवर्क देगा। कौन सा, वो लूप बैक वाला देगा। क्यों लूप बैक वाला देगा, क्योंकि ये क्या है, इस इंटरफेस से क्या कर रहा है, वो अपडेट मैसेजेस को सेंड तो कर नहीं रहा, वो करेगा इस इंटरफेस से। तो मैंने बताया स्प्लिट होराइजन का रूल क्या कहता है कि जिस इंटरफेस से अपडेट मैसेजेस को सेंड किया जाता है, उस इंटरफेस की IP कभी अपडेट मैसेजेस में इंक्लूड नहीं होती। तो ये वाली IP कभी भी इंक्लूड नहीं होगी उसमें, सिर्फ ये वाली IP जाएगी, ठीक है। तो जब R1 R2 को अपडेट मैसेजेस दे रहा है तो उसमें कौन से प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, केवल ये वाली, ठीक है। तो अब R2 के राउटिंग टेबल में एक और प्रीफिक्सेस ऐड हो जाएगा, और वो कौन सा ऐड होगा, 192.168.2.0/24 पे, ठीक है। R2 के राउटिंग टेबल में ये प्रीफिक्सेस क्या हो गई, ऐड हो गई। अब R2 भी क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल शेयर करेगा इसको अपडेट मैसेजेस के द्वारा। तो एक चीज समझना कि स्प्लिट होराइजन का फीचर क्या कहता है कि जिस इंटरफेस पे कोई भी प्रीफिक्स अपडेट मैसेज से रिसीव हो रहा है, इस इंटरफेस पे कौन से प्रीफिक्स रिसीव हो रहे हैं R2 को, ये वाले प्रीफिक्स रिसीव हो रहे हैं ना, ये वाले प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे हैं R2 को, तो इस प्रीफिक्स को कभी भी अपडेट मैसेजेस में सेंड नहीं करेगा। कहने का क्या मतलब है, एक तो जब यहां से सेंड कर रहा है तो इस इंटरफेस की IP कभी इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है। और जब R2 जब R1 को सेंड करेगा, तो स्प्लिट होराइजन का रूल ये है कि जिस इंटरफेस पे अपडेट मैसेजेस में जो प्रीफिक्सेस रिसीव हुआ है, अगर वो राउटर सेम अपडेट को उसी इंटरफेस से क्या करता है, अगर सेंड करता है, तो उस केस में जो उसने रिसीव किया है यहाँ पे, जो लर्न किया है, वो कभी भी उसमें इंक्लूड नहीं करेगा। और
इस इंटरफेस की आईपी भी इंक्लूड नहीं करेगा। तो आर टू अपने अपडेट मैसेजेस में सिर्फ कौन से प्रीफिक्सेस दे रहा होगा आर टू को, आर सॉरी आर वन को, सिर्फ और सिर्फ ये वाले प्रीफिक्सेस दे रहा होगा जो इसके लूप बैक पे है। ठीक है, पहली कंडीशन आपको पता चल गई कि राउटर जब भी अपडेट मैसेजेस सेंड करता है तो उस इंटरफेस की आईपी कभी भी अपडेट में इंक्लूड नहीं करता है। दूसरी कंडीशन ये है, कोई भी राउटर अगर किसी भी इंटरफेस से अपडेट मैसेज रिसीव कर रहा है और उस अपडेट मैसेजेस में जो प्रीफिक्सेस रिसीव कर रहा है वापस, अगर राउटर उसी इंटरफेस से अगर कोई अपडेट मैसेजेस सेंड करता है तो उस अपडेट में उस इंटरफेस पे जो प्रीफिक्सेस लर्न किया है वो कभी भी अपडेट मैसेजेस में इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, तो आर टू आर वन को सिर्फ कौन से प्रीफिक्सेस दे रहा है, ये 192.168.2.1, ठीक है, ये वाली प्रीफिक्सेस दे रहा है। यहाँ पे वन रहेगा, यहाँ पे वन रहेगा, ठीक है, 1.0। तो ये आर टू आर वन को सिर्फ कौन से प्रीफिक्सेस दे रहा है, ये सिर्फ लूप बैक का दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो 192.168.1.0 वाला प्रीफिक्सेस है वो किस इंटरफेस पे इसने लर्न किया है, जब आर टू सेंड कर रहा था अपडेट मैसेजेस तो इस इंटरफेस से उसने क्या कर दिया, एग्जिट किया है। तो इस इंटरफेस की आईपी उसने एडवर्टाइज नहीं किया, उस अपडेट मैसेज में इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो सिर्फ ये वाली प्रीफिक्सेस क्या कर रहा था, सेंड कर रहा था। अब आर टू को जब वो प्रीफिक्सेस रिसीव हुए हैं, वो अपडेट मैसेज रिसीव हुआ है तो इस इंटरफेस पे उसने रिसीव किया है, लर्न किया है, तो इस इंटरफेस पे ये वाली प्रीफिक्सेस रिसीव किया है और इस इंटरफेस की आईपी क्या है, ये वाली है। तो जिस इंटरफेस पे उसने जो प्रीफिक्सेस रिसीव किए हैं वापस आर टू अगर उसी इंटरफेस से क्या कर रहा है, कोई अपडेट मैसेजेस सेंड कर रहा है किसी भी नेबर को, तो जिस इंटरफेस पे उसने लर्न किया है जो प्रीफिक्सेस वो अपडेट में अभी इंक्लूड नहीं करेगा और उस इंटरफेस की आईपी भी नहीं करेगा। तो इसके पास बचा कौन सा प्रीफिक्स, ये वाली प्रीफिक्स, तो आर वन को यही वाली प्रीफिक्स सेंड करेगा। तो आर वन के राउटिंग टेबल में एक और प्रीफिक्सेस आ जाएगी 192.168.2.0/24 पे। ठीक है, यहाँ पे दो रूल्स हैं, दोनों रूल्स अगर आप समझ जाओगे तो स्प्लिट होराइजन का मतलब समझ जाओगे। ठीक है, अब वापस से आते हैं अपने टोपोलॉजी पे। ठीक है, ये हमारी टोपोलॉजी है, अब ध्यान से समझना, आर वन पे क्या है, एक लूप बैक है, आर टू पे एक लूप बैक है और आर थ्री पे भी एक लूप बैक है। ठीक है, और वो लूप बैक क्या है, यहाँ पे एक 10.1.1.1/24 पे है और यहाँ पे क्या है, एक 20.1.1.1/24 पे है। ठीक है, और हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे भी एक लूप बैक बना दिया जो 30.1.1.1/24 है। ठीक है, अब R2 और R3 और R1 पे हमने क्या किया है, स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवाई है। ठीक है, स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवाई है, तो R1 के कितने नेबर होंगे, R2 और R3, R2 के कितने नेबर होंगे, सिर्फ R1। ठीक है, उसी तरीके से R3 का भी कौन सा नेबर है, R1। अब R2 के पास ये प्रीफिक्सेस है, ठीक है, 10 का प्रीफिक्सेस R2 के पास है और जब अपडेट मैसेजेस में अपने नेबर्स को सेंड करेगा तो इस केस में इसका नेबर कौन है, R1। तब R1 को सेंड करेगा तो किस इंटरफेस से वो दे रहा है अपडेट मैसेज, इस इंटरफेस, तो इस इंटरफेस की आईपी कभी इंक्लूड नहीं करेगा उस अपडेट मैसेज में, तो सिर्फ कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो 10 वाले। तो R1 के राउटिंग टेबल में कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं, अभी एक 30.0.0.0/24 पे एक ये प्रीफिक्सेस है जो क्या है, लूप बैक पे, और एक और प्रीफिक्सेस है इसके पास क्या, 192.168.1.0, ठीक है, /24 पे, और किस पे, फास्ट ईथरनेट 0/0 पे। ठीक है, और R2 ये प्रीफिक्सेस दे रहा है तो इस इंटरफेस को अपडेट मैसेज में इंक्लूड नहीं करेगा, तो सिर्फ ये वाली प्रीफिक्सेस दे रहा है। तो R1 के पास एक और प्रीफिक्सेस आ गई जो कौन सी है, 10.0.0.0/24 पे। ठीक है, और वाया किसके थ्रू, वाया R2 के थ्रू इसने क्या कर लिया, लर्न कर लिया। ठीक है, अब उसी तरीके से R3 के पास भी कौन से प्रीफिक्सेस हैं, 20 के प्रीफिक्सेस हैं, ये भी अपने नेबर्स को सेंड करेगा अपडेट मैसेजेस के द्वारा, तो किस इंटरफेस से वो क्या कर रहा है, इस इंटरफेस से वो अपडेट मैसेजेस को सेंड कर रहा है, तो इस इंटरफेस की आईपी कभी भी इंक्लूड नहीं करेगा, तो सिर्फ कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो 20 के। तो R1 के राउटिंग टेबल में एक 20 के नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, एक 20 के नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन आ गई वाया किसके थ्रू, वाया R3 के थ्रू। ठीक है,
R1 के राउटिंग टेबल में ये प्रीफिक्सेस है, ठीक है। अब R1 अपडेट मैसेज सेंड करेगा अपने दोनों नेबर को, तो उस अपडेट में कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देगा? मान के चलो R1 अभी R2 को क्या दे रहा है, अपडेट दे रहा है, तो उस अपडेट मैसेज में कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सिर्फ देगा वो? देखो इस इंटरफेस पे ये दोनों प्रीफिक्सेस इसने क्या किया, लर्न किया है ना। जब R3 दे रहा है तो भी इसी इंटरफेस पे क्या हो रही है, अपडेट मैसेज R1 को रिसीव हो रही है। जब R2 दे रहा है तो भी इसी इंटरफेस पे क्या हो रही है, R1 को रिसीव हो रही है। तो ये दोनों प्रीफिक्सेस किस इंटरफेस पे इसने लर्न किया है, फास्ट इथरनेट 0/0 पे। तो स्प्लिट हराइजन का फीचर्स क्या कहता है कि जिस इंटरफेस पे अगर राउटर कोई भी प्रीफिक्सेस लर्न करता है तो वापस उसी इंटरफेस से कभी भी अपडेट मैसेज जब सेंड करेगा तो इंक्लूड नहीं करेगा और उस इंटरफेस की आईपी भी नहीं करेगा। तो इस इंटरफेस पे इसने दो प्रीफिक्सेस लर्न किए, एक तो 10 वाली, ठीक है, एक तो 10 वाली लर्न किया है और एक 20 वाली लर्न किया है, और इस इंटरफेस की आईपी क्या है, ये है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन तो ये कभी देने वाला नहीं है R1 को, सॉरी R2 को। तो देगा कौन सा, सिर्फ 30 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। तो R2 के राउटिंग टेबल में सिर्फ 30 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर R2 के राउटिंग टेबल अगर आप बनाओगे तो एक तो इसके पास क्या नेटवर्क होगी, एक तो 10.0.0.0/24 वाली होगी जो किस पे है, लूप बैक पे है, और एक और होगा इसके पास 192.168.1.0/24 किस पे है, फास्ट ईथरनेट 0/0 पे है, और एक और इसने लर्न कर लिया है कौन सा, 30.1.1 30.0.0.0/24 पे, और किस पे, वाया R1 इसने लर्न कर लिया, ठीक है। अब इसके राउटिंग टेबल में ये इंफॉर्मेशन है, R1 के राउटिंग टेबल में। R2 के राउटिंग टेबल में भी सेम कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होगी, एक तो 20 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी भाई इसके पास /24 पे, ठीक है, लूप बैक, और एक और होगा इसके पास क्या, 192.168.0.1.0/24 और किस पे, फास्ट इथरनेट 0/0 पे। इसने एक और आया है प्रीफिक्सेस कौन सी, 30 वाला, इसके पास भी तो सेंड करेगा R1, क्योंकि R1 इसका भी नेबर है, वाया किसके थ्रू, R1 के थ्रू। ठीक है, तो स्प्लिट होराइजन का फीचर इस पे इनेबल्ड है। तो क्या 20 वाले प्रीफिक्सेस R2 के राउटिंग टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और क्या R2 पे जो प्रीफिक्सेस चल रहा है 10 का, वो R3 के राउटिंग टेबल में आ रही है, नहीं आ रही है। तो इसके बीच में कम्युनिकेशन होगा, राउटर कब कम्युनिकेशन करता है, जब उसके राउटिंग टेबल में उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है। तो इनके राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इस इंटरफेस पे स्प्लिट होराइजन का फीचर डिसेबल्ड कर दूँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दोनों रूल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो R1 क्या करेगा, अपडेट मैसेजेस में इन नेटवर्क को भी क्या करेगा, इंक्लूड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो स्प्लिट राइजन का फीचर यही होता है। तब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसका। तो हमारे पास ये सेम टोपोलॉजी है, ठीक है, और ये R1 की कॉन्फ़िगरेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। R1 पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या, इस इंटरफेस पे आईपी असाइन किया है। हमने यहाँ पे एक लूप बैक भी बनाना है, तो हमने एक लूप बैक बना देता हूँ, कौन सा, जो 30 के नेटवर्क में है, इंटरफेस लूप बैक 1, और आईपी एड्रेस असाइन कर देना है हमें 30 वाले में, ठीक है, 225.225.225.0, ठीक है, ये हमने असाइन कर देना। R2 पे हमने लूप बैक बनाया है, तो दिखा देता हूँ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, एक लूप बैक बनाया हमने जो 10 का है और फास्ट इथरनेट 0/0 पे आईपी कॉन्फ़िगर किया है 2 वाले रेंज में, ठीक है। उसी तरीके से R3 पे भी मैं दिखा देता हूँ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, एक लूप बैक बनाया जो 20 के रेंज में है और फास्ट इथरनेट 0/0 पे आईपी दिया ये वाले, ठीक है। तो अभी R1 के कितने नेबर होंगे, सो आईपी EIGRP नेबर, R1 के दो नेबर हैं, एक R3 है और एक R2 है। उसी तरीके से R2 के कितने नेबर होंगे,
आईपी EIGRP नेबर, सिर्फ एक नेबर है, कौन सा है? R1 है, क्यों है? क्योंकि हमने स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवाई है, ठीक है। R2 को बोला है कि तुम्हारा नेबर ये है, R1 को बोला है कि तुम्हारे नेबर ये दोनों राउटर्स हैं, ठीक है। तो उस केस में स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म हुई है, ठीक है। और R3 पे भी एक ही नेबर होगा जो R1 होगा, हेड ऑफिस होगी। सो आईपी EIGRP नेबर, सिर्फ हमने हेड ऑफिस से क्या करवाया, इसका नेबरशिप फॉर्म करवाई है। तो हमने यहाँ पे स्टैटिक नेबरशिप बोला है, तो ये R1 के कितने नेबर हैं, दो नेबर हैं, और R2 के कितने नेबर हैं, हेड ऑफिस नेबर है सिर्फ इसका। यहाँ पे हमने बोला है कि तुम्हारा नेबर कौन है, R1 है। R3 पे भी बोला है तुम्हारा नेबर कौन है, R1 है। और R1 पे बोला है तुम्हारा नेबर कौन है, ये दोनों ब्रांच ऑफिस हैं, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है कि ये R3 पे जो लूप बैक बना था, कौन से 20 वाला, वो R2 के राउटिंग टेबल में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सो आईपी राउट आ रही है 20 वाली, ये 30 वाली तो R1 दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि इसने लर्न नहीं किया है, ये खुद का, इसका खुद के लूप बैक की आईपी है ये, तो इसने इस इंटरफेस पे लर्न नहीं किया है। ये क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, और कोई 20 का दिख रहा है यहाँ पे आपको, सिर्फ 10 का है। उसी तरीके से R3 के राउटिंग टेबल में क्या 20 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी जो R2 पे हमने लूप बैक बनाया था, वो भी नहीं होगा। सो आईपी राउट है कोई 10 की नेटवर्क जो R2 पे हमने बनाया था, 10 की नेटवर्क लूप बैक वो है नहीं, है ना, सिर्फ 30 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है जो R1 दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं यहाँ पे हमने जो लूप बैक बनाया वो कौन सा बनाया है, 10.1.1.1/24 और 1/24, और हमने यहाँ पे क्या बनाया है, 20.20.1.1/24, और यहाँ पे हमने एक लूप बैक बनाया कौन सा, IT वाला, 30.1.1.1/24, ठीक है, ये हमने बनाया है। तो हमने इस इंटरफेस पे क्या बोलना है, हमने इस इंटरफेस पे स्प्लिट राइजर फीचर को डिसेबल्ड करना है। तो R1 पे चलोगे आप, R1 पे इंटरफेस में जाके आप बोल दोगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 पे बोलोगे, ठीक है, नो आईपी स्प्लिट होराइजन, और एंटर आप मार दोगे ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ RIP के लिए है। मतलब अगर आप यहाँ पे RIP प्रोटोकॉल चलाए होते तो उस केस में आप ऐसे बोलते तो स्प्लिट होराइजन नो हो जाता, लेकिन अगर आपको EIGRP के अंदर स्प्लिट होराइजन को नो बोलना है तो आपको आगे EIGRP लिखना पड़ेगा और ES नंबर लिखना पड़ेगा। अभी जैसे एंटर करूँगा ये रिसिंग करेगा और देन अपडेट मैसेजेस में क्या करेगा, प्रीफिक्सेस को शेयर करना स्टार्ट कर देगा। अब R2 के राउटिंग टेबल में चेक कर लो, ये 20 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। सो आईपी राउट, ये देखो 20 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है, वाई किसके थ्रू, R1 के थ्रू, ठीक है। उसी तरीके से R3 के राउटिंग टेबल में 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, सो आईपी राउट, ये देखो 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है, वाई किसके थ्रू, R1 के थ्रू, ठीक है। अब जब भी R2 को इन प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट करना होगा या फिर R3 को इन प्रीफिक्सेस को कम्युनिकेट करना होगा, ट्रैफिक किससे जा रहा है, ट्रैफिक हेड ऑफिस से जा रहा है, ठीक है। चेक करना है तो कर लो, यहाँ पे ट्रेस रूट करोगे 10.1.1.1 को, तो ट्रैफिक किसके थ्रू जा रहा है, ट्रैफिक हेड ऑफिस के थ्रू जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से R2 पे चल के वो 20 वाले नेटवर्क को अगर ट्रेस रूट करते हो आप, तो ट्रैफिक R1 से जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मान के चलो अभी हमारे पास क्या है, दो ही ब्रांचेज हैं। हो सकता था कि यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेज हो, मतलब कि बहुत सारे ब्रांचेज हो, हेड ऑफिस तो एक ही होता है, बैंक का हेड ऑफिस एक ही होता है ना, ब्रांचेज हर एक स्टेट में होते हैं अलग अलग स्टेट में, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो अभी के केस में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है ब्रांच टू ब्रांच, ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, वाया हेड ऑफिस के थ्रू जा रहा है। तो मान के चलो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उस केस में अगर ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन करना है तो ट्रैफिक यहीं से जा रहा है, सारे ब्रांचेस के ट्रैफिक यहीं से जा रहे हैं, तो इस R1 यानी इस हेड ऑफिस पे क्या लोड बढ़ जाएगा ना, इस हेड ऑफिस पे लोड बढ़ जाएगा,
क्योंकि सारे ट्रैफिक्स यहीं से होके जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्टिल नेबरशिप क्या हो, सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस से फॉर्म हो, लेकिन अगर कम्युनिकेशन करना हो तो क्या हो, यहाँ से कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाए। स्टिल नेबरशिप एक ही फॉर्म हो लेकिन कम्युनिकेशन हेड ऑफिस से ना हो के हम स्विच से करा सकते हैं या फिर ISP के थ्रू करा सकते हैं, ट्रैफिक हमारा हेड ऑफिस पे ना जाए। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या करना है, हमने एक और फीचर को इनेबल करना, ठीक है। मैं एक बार और समझा देता हूँ कि अभी जो ट्रैफिक जा रही है, अभी जो 10 का नेटवर्क और ये 20 का नेटवर्क है, अगर ये 20 का नेटवर्क 10 को अगर कम्युनिकेट करना है तो ट्रैफिक हेड ऑफिस से जा रही है, अगर 10 के नेटवर्क को 20 को कम्युनिकेट करना है ट्रैफिक हेड ऑफिस से जा रही है। हो सकता था यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेज हो, अगर उन ब्रांचेस को ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन करना, सारे ट्रैफिक कहाँ से जा रहे हैं, हेड ऑफिस से जा रहे हैं, तो हेड ऑफिस पे क्या हो जाएगा, लोड बढ़ जाएगा ना, सारे ट्रैफिक यहीं से जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं स्टील नेबरशिप क्या हो, सिर्फ हेड ऑफिस से हो लेकिन जो कम्युनिकेशन हो तो यहाँ से हो जाए, ठीक है, ट्रैफिक हेड ऑफिस के पास ना जाए। तो हम क्या करेंगे, हम एक और फीचर इनेबल करेंगे जिसका नाम है IP नेक्स्ट हो, नेक्स्ट होप सेल्फ, ठीक है। हर एक इंटरफेस पे क्या होता है, वो फीचर इनेबल होता है IP नेक्स्ट होप सेल्फ का, ठीक है। अब IP नेक्स्ट होप का सेल्फ का क्या काम है वो समझ लो, कि R3 जब ये 20 के प्रीफिक्सेस दे रहा है R1 को, तो नेक्स्ट होप सेल्फ क्या लगा के दे रहा है, अपने इस इंटरफेस की IP, ठीक है। तो R1 के राउटिंग टेबल में ये प्रीफिक्सेस कैसे स्टोर हुए हैं, वाया R3 इस इंटरफेस के थ्रू, चेक कर लो। R1 के राउटिंग टेबल में 30 के प्रीफिक्सेस कैसे स्टोर हुए हैं, सो IP राउट 30 के प्रीफिक्सेस कैसे स्टोर हुए हैं, सॉरी 20 के प्रीफिक्सेस कैसे स्टोर हुए हैं, ये देखो वाया किसके थ्रू, वाया R3 के थ्रू, ठीक है। लेकिन जब ये 20 के प्रीफिक्सेस जब ये R2 को सेंड कर रहा है, तो R2 के राउटिंग टेबल में कैसे पड़े होंगे वो, सो IP राउट 20 के प्रीफिक्सेस कैसे पड़े हैं, वाया R1। अगर मैं यहाँ पे वाया R3 कर दूँ तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, ट्रैफिक कहाँ से जाएगी, राउटर अपनी राउटिंग टेबल देख के ही तो क्या करता है, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे जो 20 का नेटवर्क कैसे पड़ा है, वाया R1 पड़ा है, तो सारी ट्रैफिक R1 से सेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ वाया R3 तो क्या होगा, ट्रैफिक डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई जब भी तुम 20 के नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहे हो, मतलब 20 के नेटवर्क को जब R2 को सेंड कर रहे हो, तो नेक्स्ट होप सेल्फ मॉडिफाई मत करो। मॉडिफाई करने का क्या मतलब है, कि जब यहाँ से ट्रैफिक यहाँ जा रही है तो नेक्स्ट होप सेल्फ इस इंटरफेस की IP लगा के दे रहा है इसको, तो इसके राउटिंग टेबल में क्या है, इसी तरीके से इंस्टॉल है। मैं बोल दूंगा कि जैसे तुम्हारे राउटिंग में आ रही है तुम उसको मॉडिफाई मत करो, एज इट इज इसको सेंड कर दो। तो R1 के राउटिंग टेबल में ऐसे पड़ी हुई है, तो उठा के क्या करेगा, ऐसे ही सेंड कर देगा, तो इसके राउटिंग टेबल में ऐसे ही सेम क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। तो जब R2 को 20 के नेटवर्क को कम्युनिकेट करना होगा, अपनी राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, प्रीफिक्सेस इसमें मैच हो जाएंगे, इसमें मैच हो जाएंगे, और किस इंटरफेस से पैकेट को एग्जिट करना है वो यहाँ से पता चल जाएगा, और वाया किसके थ्रू, 192.168.1.3, ठीक है, कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने R1 पे जाके बताना है, R1 पे हमने बताना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलोगे और यहाँ पे बोलोगे आप इंटरफेस फास्ट इथरनेट में जाके, फास्ट इथरनेट में जाके 0 है, नो IP नेक्स्ट होप सेल्फ, और किसके लिए, EIGRP के लिए IP नेक्स्ट होप सेल्फ, ठीक है, ये बोलना है आपको, और किस AS के लिए। ये जैसे ही बोलोगे ये क्या करेगा, इसकी राउटिंग टेबल में जो इंफॉर्मेशन होगी जब अपने नेबर्स को सेंड करेगा, तो वो प्रीफिक्सेस को क्या करेगा, मॉडिफाई नहीं करेगा, एज इट इज सेंड कर देगा, ठीक है। उसी तरीके से R2 भी जब सेंड कर रहा होगा इसको, तो इसके राउटिंग टेबल में 10 की प्रीफिक्सेस वाया किसके थ्रू पड़े होंगे, वाया R2 के थ्रू। लेकिन जब ये R3 को सेंड कर रहा होगा, तो ये क्या कर रहा होगा, उस प्रीफिक्सेस को मॉडिफाई कर रहा होगा, मतलब कि जो नेक्स्ट होप सेल्फ है वो अपने इस इंटरफेस का लगा के सेंड कर रहा होगा ना। अभी फीचर्स इनेबल है, तो IP नेक्स्ट होप सेल्फ का फीचर क्या है, इनेबल है ना, तो ये इस इंटरफेस पे जो भी IP होगी वो नेक्स्ट होप सेल्फ उस प्रीफिक्सेस के लिए लगा के सेंड कर रहा होगा। तो R3 के राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्सेस कैसे स्टोर पड़ा होगा, वाया R1। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि जो भी तुम्हारे राउटिंग टेबल में प्रीफिक्सेस है उसको मॉडिफाई मत करना, एज इट इज सेंड कर देना। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ रिसिंग करेगा, ये देखो कर लिया रिसिंग,
अब आर टू के राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्सेस कैसे पड़े होंगे वो चेक करना। आ गया, ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई ही नहीं कर रहा है, एज इट इज सेंड कर दे रहा है। और आर थ्री के राउटिंग टेबल में 10 की प्रीफिक्सेस कैसे पड़े होंगे, ठीक है, मॉडिफाई ही नहीं कर रहा, वो एज इट इज सेंड कर रहा है। तो अब जो कम्युनिकेशन करोगे आप ट्रेस रूट 10.1.1.1 डायरेक्ट ट्रैफिक जा रही है बाय आर टू। अब आर वन के पास ट्रैफिक जा रही है, नहीं यार, लेकिन स्टील नेबर सीव ये जीआरपी और क्या नेबर, नेबर एक ही है जो आर वन है, लेकिन जो ट्रैफिक जा रही है वो डायरेक्ट सेंड हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है अगर बैंक में आपका नेटवर्क सेंड नेटवर्क क्रिएट करना है बैंक की तरफ से, हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बनानी है आपको, तो इस टाइप से आप कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और होती है, ठीक है, यहाँ पे एक क्वारी मैसेजेस को हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो वो आपको सीसीएनपी में बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है।